नमस्कार दोस्तों, सपने सच होंगे पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशि पर में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 1 जून दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन से खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज बुधवार है, सरस्वती माँ का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सरस्वती माँ लिखें, सरस्वती माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 1 जून 2022 दिन बुधवार, आज की तिथि द्वितीय, आज का नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, पच चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:23 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:14 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय कोई भी नहीं और आज का अशुभ समय है सुबह 11:50 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कर करना चाहते हैं तो आप इस समय ना करें, आपके लिए अशुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज आपका लकी नंबर है 5 और शुभ रंग है हल्का हरा और लाल। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है, आपकी खुश मिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का आप सहारा लें। आपको परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ बिताने के लिए आज पर्याप्त समय मिलेगा। आपकी थकी और उदास भरी जिंदगी आपके जीवन साथी को तनाव दे सकती है, इसलिए आप उनके सामने ऐसा प्रताप ना करें। किसी पार्क में घूमते समय आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जिससे अतीत में आपके मतभेद थे। जीवन साथी के रिश्तेदारों का दखल वैवाहिक जीवन का संतुलन बिगाड़ सकता है। अकेलेपन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इससे बेहतर होगा कि आप कहीं घूमने के लिए निकल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, दिन फायदेमंद साबित होगा और आपकी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। व्यापार में मुनाफा आज कई व्यापारियों के चेहरे पर खुशी ला सकता है। बच्चों की पढ़ाई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय जो समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं वे शैक्षिक हैं और समय के साथ साथ वे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। रोमांस रोमांचक होगा, इसलिए उससे संपर्क करें जिससे आप प्रेम करते हैं और दिन का भरपूर लुप्त लाभ उठाएं। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोर अवस्था के दिनों की याद दिला सकती है। पिता या बड़ा भाई आज आपकी किसी गलती पर आपको डांट सकता है, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें ना कि आप खुद नाराज हों। साथ ही दोस्तों, आज पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन कोई बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है, कहीं से अचानक धन लाभ का अवसर आपको मिल सकता है। नया वाहन खरीदने के लिए आज का दिन शुभ है, अगर आप नौकरी में हैं तो आज इनकम में बढ़ोतरी भी की संभावना अधिक रहेगी। उदास ना हो, कभी कभी विफल होना कोई खराब बात नहीं है, वह तो जिंदगी की खूबसूरती है। साथ ही दोस्तों आपको बताएं, बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा और सुकून देने वाला अनुभव रहेगा। प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा, घरेलू जिंदगी सुकून भरी और खुशनुमा रहेगी। प्यार का बुखार आपके सिर पर चढ़ने के लिए तैयार है, इसका अनुभव कीजिए। आपका कम्युनिकेशन और काम करने की क्षमता असरदार सिद्ध होंगे। वैवाहिक जीवन में इसने और दिखलाने का आपका महत्व अलग है और इस चीज का अनुभव आज आप करेंगे। काम टालने से कभी किसी का भला नहीं होता है। पूरे हफ्ते बहुत सा आपने काम इकट्ठा हो गया है, इसलिए अब बिना देरी करे आपको काम शुरू कर देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। अपने निजी कार्यों के लिए समय ना निकाल पाने की वजह से आपके मन में कुंठा रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। आप अपने गृहस्थ जीवन में प्रेम और समझदारी महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में मर्यादा में रहना अति आवश्यक है। साथ ही दोस्तों, अपनी वाणी के बल पर आप अच्छा धन अर्जित करने में कामयाब होंगे।
मशीनरी आदि से संबंधित कारोबार में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। कार्य क्षेत्र में आज कुछ व्यवधान आने के योग बनते दिख रहे हैं, सावधान रहें, ऑफिस का माहौल कुछ बेहतर होगा। साथ ही साथ दोस्तों, फालतू खर्चों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आर्थिक तंगी के कारण पारिवारिक जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। जीवन के सभी पहलू अच्छे से बीतेंगे और आप अपनी लाइफ का खुलकर मजा लेंगे। परिवार में अपने जीवन साथी व बच्चों के साथ यादगार समय बिताएंगे। शादीशुदा जिंदगी शांति और सौंदर्य के साथ आगे बढ़ती रहेगी। साथ ही दोस्तों, आप स्वयं को ज्यादा ऊर्जावान और पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपको सफलता मिलेगी और अपने कैरियर में नई ऊंचाई देखने को मिलेगी। जो जातक इस दौरान जॉब चेंज करने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपके भाग्य के साथ आपको मिलेगा और लॉटरी शेयर आदि से अप्रत्याशित धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, पारिवारिक वातावरण सौंदर्य प्रेम रहेगा, प्रेम संबंध सुदृढ़ रहेंगे। घर पर विश्राम करने के लिए आज अच्छा समय है। सभी प्रकार की टकराव की स्थितियों से बचें। कुछ घरेलू वस्तुओं की आज खरीदारी संभव है। आप अपने आप को उत्साह से भरा हुआ पाएंगे और कुशलतापूर्वक अपने कार्य को संभालने में सक्षम होंगे। आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। आपके प्रयासों के माध्यम से धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। अपने व्यवसाय संबंधी पराक्रम का प्रयोग करके अपने करियर की प्रतिभाओं को आप बेहतर बनाएंगे। साथ ही दोस्तों, आज एक नई ताजगी का आप एहसास अपने मन में करेंगे। सभी तनाव और परेशानी आज समाप्त हो जाएंगे। अपने उच्च आत्मविश्वास का आज आप सदुपयोग करने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपको प्रेम जीवन में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। बस आज आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। जो अव्याहत लोग हैं उनके लिए आज कोई प्रेम प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही आप अपने प्रियतम से अपने प्रेम के बारे में कह सकते हैं। दोस्तों, प्रेम संबंध आज अच्छे हो सकते हैं। मन के अनुकूल प्रेमी प्रेमिका के मिलने की संभावना अधिक पाई जाती है। दोस्तों, प्रेम संबंधों को लेकर आज दोनों में आज काफी उत्साह देखने को मिल सकता है और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी आज हो सकती है तथा काम काज को लेकर अपनी बातों को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप अपने प्रेम जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपका प्रेम जीवन शांति व सद्भाव बना रहेगा। साथ ही कुछ लोगों को इस राशि में थोड़ा बहुत मनमुटाव भी रह सकता है और रोमांस के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा है। दोस्तों, आज प्रेम जीवन के लिए समय काफी अनुकूल है। बस आपको अपने पार्टनर से आज ऊंची आवाज में बात ना करें, इससे आपके रिलेशन में थोड़ा बहुत मनमुटाव रह सकता है। इसके लिए आप अपने पार्टनर का स्वभाव देखकर ही आप उनसे कुछ कहें, आपके लिए सही होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आप अपने आप में आत्मबल की कमी आज आप महसूस करेंगे। इसकी वजह से शारीरिक क्षमता में कमी आएगी, इसलिए आज आप अपने आप को बहुत ही अस्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए आज आप अपनी दिनचर्या को बहुत ही संयमित रखें और अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।